जय माता दी मित्रों मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल आज में मित्रों आज हम चर्चा कर रहे हैं साप्ताहिक राशि फल यानी वीकली होरोस्कोप के बारे में चर्चा कर रहे हैं यानी कि 21 से 27 अगस्त में बारह राशियों की एक हफ्ते क्या स्थिति रहने वाली है इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सबसे सब पहले मेष राशि के बारे में यानी एरीज के बारे में जान लेते हैं तो एरिस में देखा जाए तो ये जो सप्ताह है यानी इक्कीस से 27 अगस्त तक घर के अंदर थोड़ा सा परेशानी इस सप्ताह आ सकती है फैमिली मेंबरों के बीच में कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है बिजली या किसी उपकरण की खराबी घर के अंदर अगले हफ्ते आ सकती है यानी 21 से 27 अगस्त के बीच में आ, घर की गैजेट उपकरण वायर बिजली से संबंधित चीजों में खर्चा आ सकता है थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं हेल्थ के बारे में बात करें तो ये जो सप्ताह है इस सप्ताह सर दर्द की मेष राशि वालों को परेशानी रह सकती है हल्का सा मानसिक तनाव रह सकता है फोड़े फुंसी की परेशानी इस सप्ताह थोड़ा थोड़ा आपको रह सकती है धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति में देखा जाए तो शुक्र वक्री हैं इस सप्ताह यानी धन संबंधी भाई आपका रुका हुआ काम बनने वाला है यानी धन की इस सप्ताह कोई दिक्कत नहीं है धन का फ्लो इस सप्ताह बहुत अच्छा है धन किसी से लेना है तो वो आ जाएगा धन संबंधी कोई एक्स्ट्रा काम करनी है क्लाइंटों से जाना है धन लेना है धन से संबंधित एडवांस लेना है तो ये सप्ताह आपका अच्छा है यानी कि अचानक धन लाभ बड़ी डील का योग भी सप्ताह बन रहा है करियर के बारे में बात करें तो करियर में इस सप्ताह चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे व्यापार कर रहे हैं आपके पार्टनर से आपके वाद विवाद हो सकते हैं या ऑफिस के कलीग से आपके जबरदस्त इस सप्ताह किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद रह सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा है साथ ही साथ इस सप्ताह आपके काम के गैजेट यानी ऑफिस के अंदर आपका कंप्यूटर लैपटॉप या आपके जो काम के गैजेट हैं उनकी खराबी के कारण आप थोड़ा सा मन शांत रह सकता है आप चिंतित रह सकते हैं काम में बाधा आ सकती है लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सप्ताह इस समस्या का भी कोई ना कोई हल निकलता हुआ नज़र आ रहा है रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो पार्टनर बड़ा जिद करने वाला है अपने घर आपको ले जाने के लिए या पार्टनर के रिश्तेदारी में जाने के लिए तो इस सप्ताह पार्टनर की जिद से आप किसी रिलेटेड रिलेटिव या रिश्तेदारी के घर जाने वाले हैं यानी आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा वृषभ राशि की बात करें तो ये सप्ताह यानी इक्कीस से सत्ताईस अगस्त में देखा जाए तो वृषभ राशि को इस सप्ताह संतान से संबंधित परेशानी रहेगी या संतान से पे आपका फोकस रहेगा या इस सप्ताह आपका ध्यान परिवार पर केंद्रित रहेगा या पार्टनर पे केंद्रित रहेगा संतान या पार्टनर या परिवार में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी संतान की ग्रोथ की अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी पार्टनर से संबंधित अच्छी न्यूज़ या परिवार में फैमिली मेंबर है उनसे संबंधित अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह आपका हेल्थ काफ़ी पिछले हफ्ते के मुकाबले काफी अच्छा नजर आ रहा है मूड भी आपका इस सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है काफी म्यूजिक देने वाले हंसी मजाक करने वाले म्यूजिक में आपका इंटरेस्ट रहेगा धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह भाई वृषभ राशि वालों का देखा जाए तो बुद्ध आदित्य योग बन रहा है यानी कि दो जगह से अच्छे धन संबंधी काम आपके बन सकते हैं पहला आपकी धन संबंधी कोई बड़ी डील क्रैक हो सकती है उसका एडवांस आपको मिल सकता है ऐसा योग नज़र आ रहा है साथ ही साथ जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है बैंक में किया है या शेयर में करा है एस में करा है तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें भी आपको इस सप्ताह अच्छा खासा लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए अचानक देखा जाए करियर के अंदर आपको दूसरे का काम दिया जा सकता है यानी वर्कलोड आपका बढ़ सकता है लेकिन काम की आपके तारीफ होगी यानी कि पूरा मैनेजमेंट पूरा ऑफिस आपके काम की तारीफ करने वाला है इनफैक्ट इतना नहीं आपको दूसरे का वर्कलोड भी सहना पड़ेगा रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है घर की जरूरतों की ख़रीदारी इस सप्ताह आप करने वाले हैं या घर के किसी सदस्य की ख़रीदारी आप करेंगे पार्टनर के साथ में आप दुकान जाने वाले हैं शॉपिंग शॉपिंग या ग्रोसरी वाली दुकान में जाके आप खूब सारी शॉपिंग करने वाले हैं साथ ही साथ देखा जाए तो आपका जो पार्टनर है उनके करियर में भी कहीं ना कहीं इस सप्ताह कुछ अच्छा न्यूज़ या अच्छी बात आपका पार्टनर आपको बताने वाला है तो कुल मिला के रिलेशनशिप के लिए भी ये सप्ताह अच्छा है हाँ थोड़ा सा घरेलू शॉपिंग में आप बिजी रह सकते हैं या वीकेंड में आप घरेलू शॉपिंग कर सकते हैं बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह यानी इक्कीस से 27 अगस्त तक देखा जाए तो ये जो सप्ताह है हल्का विपरीत राजयोग मिथुन राशि का एक्टिव हो रहा है यानी नौकरी काम करियर में कोई लाभ आपको इस सप्ताह विपरीत राजयोग के कारण मिल सकता है सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ में देखा जाए तो इस सप्ताह देखा जाए तो कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम ई की हल्की समस्या मिथुन राशि को रह सकती है धन की स्थिति की बात करें तो इस सप्ताह शुक्र वक्री हैं यानी कि अचानक धन संबंधी कोई बड़ी डील मिथुन राशि को मिल सकती है अचानक विदेश से संबंधित कोई काम या कोई धन आपको मिल सकता है या विदेश संबंधित किसी व्यक्ति से कुछ लाभ आपको मिल सकता है।, फ्लो इस अच्छा है करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह पद प्रमोशन के आपके योग नजर आ रहे हैं नया प्रोजेक्ट करियर में आपको मिल सकता है सीनियर के सहयोग से आपको कोई बड़ा काम मिल सकता है या कोई बड़ा पद मिल सकता है ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है यानी विपरीत राजयोग का आपको लाभ मिल रहा है रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आपका पार्टनर वर्कलोड बच्चे और घर की ड्यूटी में बिजी रहने वाला है बस वीकेंड में पार्टनर के साथ में किसी मॉल किसी रेस्टोरेंट में आप जा सकते हैं यानी कि ये सप्ताह रिलेशन के लिए चाहे पति पत्नी हो प्रेमी प्रेमिका हो उनके लिए नॉर्मल रहेगा आपका पार्टनर बिजी रहेगा बात करें कर्क राशि की तो कर्क राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए 21 से 27 अगस्त का ये सप्ताह है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से बॉन्डिंग बहुत अच्छी इस सप्ताह होती हुई नजर आ रही है पार्टनर और भी और आपके बीच में जो मन मुटाव चल रहे थे वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं पार्टनर इनफैक्ट आपको कोई खुशखबरी भी इस सप्ताह दे सकता है चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में तो हेल्थ कर्क राशि वालों की सप्ताह काफी अच्छी रहने वाली है पिछले दो हफ्तों में जो हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी उसके कंपैरिजन ये सप्ताह आपका हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है मूड आपका अच्छा रहेगा मूड स्विंग की प्रॉब्लम दूर होगी धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति में ये सप्ताह कर्क राशि का आदित्य योग बन रहा है यानी दो जगह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन होते हुए नज़र आ रहे हैं यानी कि देखा जाए वो दो गेन क्या है पहला कहीं पर आप इस सप्ताह इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें आपको प्रॉफिट होगा साथ ही साथ जो पुराना आपने काम किया है पुराना जो आप है पुराना जो पेंडिंग धन है वो आपको इस सप्ताह वापसी मिलेगा यानी पुरानी पेमेंट आपको इस सप्ताह मिलने वाली है करियर के बारे में बात करें तो देखा जाए तो ये सप्ताह संस्थान की किसी बड़ी परेशानी को लेकर आपको कहीं भेजा जा सकता है या फिर आपकी मदद ली जा सकती है आपकी मास्टरी जिस काम में उसकी मदद लेके आपको दूर प्रदेश की यात्रा करनी पड़ सकती है यानी इस सप्ताह आपको अचानक ही ऑफिस के मैनेजमेंट की तरफ से कहीं दूर भेजा जा सकता है उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इस सप्ताह रिलेशनशिप आपका काफी अच्छा है जो बीच में मन मुटाव थे वो दूर होते हुए नजर आ रहे हैं पार्टनर के करियर में उनको पद धन या न्यू जॉब का ऑफर मिल सकता है यानी पार्टनर का रुका हुआ काम इस सप्ताह अचानक बन सकता है तो रिलेशनशिप अच्छा है मेरा नाम निर्मल गोयल है और मैं गुरुजी प्रकाश जोशी जी का प्रोग्राम देखती थी और मेरे घर में पहले बहुत तंगी थी और मेरे पति जो थे बहुत अंधविश्वासी थे हमारे घर में बहुत खाने की भी टोटे हो गए थे जब से मैंने इनका प्रोग्राम देखा है तो मैं इनके संपर्क में आई हूँ और अपने पति को भी लेके इनके पास आई थी और जब से मैं इनके संपर्क में आई हूँ मेरे पति का कारोबार बहुत ही अच्छा चल गया है और मेरे घर में मेरे बच्चे भी बहुत बड़े उदे पर चल गए खड़े हैं और मेरा मतलब कि घर में खुशहाली आ गई है और मैं प्रकाश जोशी जी को कोटी कोटी प्रणाम करती हूं बात करें सिंह राशि की तो सिंह राशि के लिए ये सप्ताह यानी 21 से 27 अगस्त के बीच में बात करें तो कहीं ना कहीं सिंह राशि का इस सप्ताह बुद्ध आदित्य योग बन रहा है यानी कि सरकारी रुका हुआ काम या सिंह राशि वाले स्टूडेंट अगर ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो आपका कोई इंस्टीट्यूशन का काम रुका हुआ है वो इस सप्ताह आपका बन सकता है आपको रिप्लाई मिल सकता है और अच्छा खासा धन लाभ इस सप्ताह आपको मिल सकता है हेल्थ के बारे में सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं तो हेल्थ के बारे में बात करें तो इस सप्ताह हेल्थ आपकी वेल एंड फिट एंड फाइन रहेगी वेल एंड गुड रहेगी इनफैक्ट इस सप्ताह देखा जाए समाज से आपको कोई सम्मान मिल सकता है किसी अंकल से किसी बुजुर्ग से आपको तारीफ मिल सकती है तो कुल मिला इस सप्ताह आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगने वाले हैं धन की स्थिति की बात करें तो धन की स्थिति इस सप्ताह अच्छी है अचानक कोई बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त हो सकता है रुका हुआ मार्केट में फंसी हुई पेमेंट आपको इस सप्ताह मिल सकती है बस आपको उसको कॉल करना होगा एक बार मीटिंग करनी होगी वो व्यक्ति बहाने बहुत बनाएगा लेकिन आप एक बार मिल के आएंगे तो आपकी पेमेंट जरूर होगी साथ ही साथ पेमेंट तो आपकी आ रही है सिंह राशि की सप्ताह लेकिन खर्चे भी होंगे बिजली पे आपका खर्चा होगा मशीनरी पे आपका खर्चा होगा यानी पेमेंट भी आएगी और खर्चा भी रहेगा करियर के बारे में बात करें तो इस सप्ताह करियर आपका नॉर्मल नज़र आ रहा है बस किसी जूनियर से या किसी नीचे स्तर के कर्मचारी से आपकी बहस हो सकती है कोई वाद विवाद हो सकता है तो बस यही कहूँगा कि इस सप्ताह आप अपने जूनियरों से ना उलझे निचले लेवल के कर्मचारी से बिल्कुल ना उलझे और ऐसी स्थिति हो तो कंट्रोल कर ले वही आपके लिए लाभकारी सिचुएशन रहेगी रिलेशनशिप की बात करें तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपके पार्टनर के रिलेशन अच्छे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पार्टनर के काम वाली बाई से या देखा जाए तो लो क्लास के कर्मचारियों से वाद विवाद रह सकते हैं पार्टनर की बहस हो सकती है ऐसा योग नजर आ रहा है उस या काम वाली बाई या घर में काम करने वाली को लेकर आपका पार्टनर थोड़ा चिंता में रह सकता है बाकी रिलेशनशिप तो काफी अच्छा नजर आ रहा है इस सप्ताह आप बात करते हैं कन्या राशि की और कन्या राशि से पहले मैं बात करना चाहूंगा आप लोगों से मित्रों ये जनरल प्रिडिक्शन होती है जनरल का मतलब होता है कि हम ग्रह क्षितिज जो ब्रह्मांडीय घटना उसके अनुसार आपको प्रिडिक्शन करते हैं बताते हैं ये योग होगा अगर आपको एग्जैक्ट जानना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इस पर आप संपर्क कर लीजिए एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा चलिए आप बात कर लेते हैं कन्या राशि की तो कन्या राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए बुद्ध की स्थिति के कारण दो जगह से आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है यानी दो बड़े बदलाव इस सप्ताह जीवन में होने के लिए तत्पर है इस सप्ताह देखा जाए तो पहला बदलाव ये होगा कि किसी बड़े नेता अभिनेता सेलिब्रिटी से अचानक आपकी मुलाकात हो सकती है ऐसा योग नजर आ रहा है साथ ही साथ करियर के अंदर देखा जाए तो मैनेजमेंट द्वारा आपको एप्रिसिएशन दिया जाएगा पद प्रमोशन की आपकी बात की जाएगी या फिर आपका नाम किसी प्रोजेक्ट में चयन होगा आपको सरप्राइज मिलेगा इसका साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह देखा जाए तो आपको जान पहचान के माध्यम से एक्स्ट्रा इनकम के योग भी आपके बनते हैं यानी जान पहचान वाले एक्स्ट्रा इनकम आपको कमाने वाले ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है और साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह नौकरी पेशा लोगों को जिम्मेवारी वाला काम मिलेगा यानी वर्कलोड इन नौकरी पेशा वालों के ऊपर इस सप्ताह ज्यादा रहने वाला है साथ ही साथ इस सप्ताह देखा जाए तो घरेलू जीवन लव लाइफ आपकी अच्छी रहने वाली है यानी कि जो आपका पार्टनर है ऑनलाइन कोई मेडिटेशन सीखने वाला है ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कुछ ना कुछ आपका पार्टनर सीखेगा इस सप्ताह आपने पार्टनर को कुछ सीखते हुए इस सप्ताह देखने वाले हैं साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह के वीकेंड में आप हिल स्टेशन में जा सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा है या किसी फेमस टेंपल की के दर्शन आप इस सप्ताह कर सकते हैं तो कुल मिला के पार्टनर के साथ में बाउंडेशन इस सप्ताह अच्छी नजर आएगी करियर में बिजी रहने वाला सप्ता, इस सप्ताह धन लाभ इस सप्ताह अच्छा है अब बात कर लेते हैं तुला राशि की तो तुला राशि के लिए यह सप्ताह यानी इक्कीस से सत्ताईस अगस्त में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शुक्र बकरी है, विपरीत राजयोग बन रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सप्ताह जो पिछली जो सप्ताह की जो परेशानियां थी उसको सॉल्व करता हुआ ये सप्ताह नजर आएगा यानी जो पिछले सप्ताह जो गड़बड़ हो रखी थी काम में वो कहीं ना कहीं इस सप्ताह आप सॉल्व करते हुए नजर आएंगे और काफ़ी हद तक जो प्रयास करेंगे वो सफल होते हुए नज़र आएंगे इस सप्ताह देखा जाए तो आ, इस सप्ताह अगर देखा जाए तो आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं तुला राशि वाले चाहे आप निजी उसमें हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो वर्कलोड इस सप्ताह आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा और पिछला भी वर्क लोड आपको करना पड़ सकता है तो इस सप्ताह आपको काम में दस से बारह घंटे लग सकते हैं आपके उसके लिए हैरानी और ताजुब करने की आपको ज़रूरत नहीं है साथ ही साथ इस सप्ताह किसी शादी समारोह किसी बर्थडे पार्टी किसी रिश्तेदार के घर भी आपको जाना पड़ सकता है ऐसा योग नज़र आ रहा है साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह जो तुला राशि वाले हैं वो कहीं ना कहीं मोबाइल प्रिंटर या ऑफिस से संबंधित स्टेशनरी पे अच्छा खासा धन खर्च करने वाले हैं ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है करियर और धन में अगर तुला राशि का देखा जाए तो जो शुक्र वक्री बैठे हैं उस कारण से आपको अचानक कोई धन लाभ हो सकता है पुराना कोई काम मिल सकता है पुराना ग्राहक लौट के आएगा और ज़बरदस्त आपको काम देगा बस आपको धैर्य और पेशेंस रखना है याद रखिएगा गुस्सा नहीं करना है याद रखिएगा सबके कॉल उठाइएगा तुला राशि वाले जितने भी क्लाइंट के फ़ोन आए तो ये जो सप्ताह है जो प्रोफेशनली अगर आप लोगों के कॉल उठाते हैं तो आपको कोई ना कोई कॉल के माध्यम से अच्छा लाभ होने वाला है इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार के सदस्यों के साथ में बाहर घूमने भी आप जा सकते हैं ऐसा योग नज़र आ रहा है साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह आप घरेलू वस्तुओं की भी खरीदारी करने वाले हैं यानी बच्चों के कपड़ों की खरीदारी इस सप्ताह करेंगे उनकी विद्या किताबों की खरीदारी करने वाले हैं और जो आपके घर में जो लेडीज है उनके लिए भी कुछ शॉपिंग इस सप्ताह करने वाले हैं इस सप्ताह देखा जाए तो कुछ तुला राशि वालों का विदेश संबंधी कोई काम सफल होगा या फिर सरकारी रुका हुआ काम या पी एफ प्रोविडेंट फंड टी डी एस कहीं ना कहीं से संबंधित कोई ना कोई रुका हुआ काम जी एस टी से रुका हुआ काम आपका बनता हुआ नजर आ रहा है साथ ही साथ देखा जाए इस सप्ताह तुला राशि को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थोड़ा सावधानी से करनी है इस सप्ताह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में थोड़ा परेशानी पैदा हो सकती है चौबीस घंटे के लिए आप परेशानी में पड़ सकते हैं लेकिन उसके बाद वो परेशानी भी सॉल्व होती हुई नज़र आएगी तो इसलिए इस सप्ताह अगर आप किसी को चेक दे रहे हैं किसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एक बार छोटी रकम करके कंफर्म कर ले कि ये अकाउंट उनका है या नहीं नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है धन की स्थिति इस सप्ताह देखा जाए तो इस सप्ताह धन की स्थिति नॉर्मल रहने वाली है ये ये सप्ताह बात कर लेते हैं आप वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो 21 तारीख से लेकर और 27 अगस्त में देखा जाए तृतीय और नवम का संबंध बन रहा है जो ये सप्ताह आपका तृतीय और नवम का संबंध सामान्य फलदायक रहेगा यानी सप्ताह काम और वर्कलोड में आप थोड़ा बिजी रहेंगे और जो रुका हुआ धन है वो उसकी वापसी आपकी हो सकती है किसी ने धन उधार लिया है तो उसकी वापसी सप्ताह हो सकती है बस आपको उसको कॉल करना पड़ेगा या एक बार घर जाके या बिना बताए उससे मिलना पड़ेगा तो आपकी रुकावट धन की वापसी जरूर होगी करियर में देखा जाए तो इस सप्ताह आपकी कंपनी आपका संस्थान आपको दूसरे शहर भेज सकती है या संस्थान की ओर से आपको दूसरे शहर की यात्रा इस सप्ताह करनी पड़ सकती है और इस सप्ताह देखा जाए तो माता पिता की कोई सोने की वस्तु गुम हो सकती है या थोड़ा सा हल्का सा उनका हानि का इस सप्ताह योग नज़र आ रहा है इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार के साथ में आप किसी पार्टी फंक्शन या किसी बर्थडे पार्टी या किसी जान पहचान की आ, के फंक्शन में जाने के सप्ताह योग बन रहे हैं इस सप्ताह मैं वृश्चिक राशि को कहूँगा कि बुरे खान पान के कारण आपको मौसमी बीमारियाँ लग सकती है ईएनटी गैस की एसिडिटी की परेशानी में आप आ सकते हैं तो इसलिए बुरा खाम आ, बुरा खान पान नहीं रखना है रेडी पटरी से खाना नहीं करना नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन चाहे लव लाइफ के बारे में बात करें तो अच्छी रहेगी आ कहीं ना कहीं इस सप्ताह परिवार को लेकर बच्चों को लेकर किसी रिलेटिव के घर आप जा सकते हैं किसी मित्र के साथ के घर आप जा सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा है पार्टनर की को शॉपिंग करा सकते हैं इस सप्ताह ऐसा योग नजर आ रहा है तो कुल मिला लव लाइफ इस सप्ताह अच्छी रहने वाली है मैं कैनेडा से हूँ मैं बहुत ज्यादा दुखी थी मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज्यादा नीचे आ गया था मैं इतनी परेशान उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा तुरंत फ़ोन लगाया उनको अपनी सारी समस्या अपने पति के नुकसान के बारे में बताया उन्होंने फ़ोन पर मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि एक दो अंगूठी ये धारण कीजिए और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया बढ़ता ही गया और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ चलिए अब बात कर लेते हैं धनुराशि की तो धनुराशि के लिए ये सप्ताह यानी से सत्ताईस अगस्त के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं केंद्राधिपति दोष बन रहा है यानी योग नहीं है दोष है तो इस सप्ताह देखा जाए तो मिला जुला धनु राशि का ये सप्ताह रहने वाला है इस सप्ताह देखा जाए तो धनुराशि को पहली चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा यानी इस सप्ताह खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं यानी ई पे आपका खर्चा बढ़ेगा आपको अचानक ज़्यादा बिजली का बिल ज़्यादा इंटरनेट का बिल ज़्यादा बिल की भुगतान करनी पड़ेगी या फिर किसी पेनल्टी का भुगतान इस सप्ताह आपको करना पड़ सकता है करियर में देखा जाए तो धनु राशि को इस सप्ताह यानी ये जो अगस्त का 21 से 27 में मेहनत बहुत करेंगे लेकिन काम बनते बनते पोस्टपोन हो जाएंगे शुभ काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं बिगड़ बिगड़ना तो नहीं लेकिन इस सप्ताह आपके आगे के लिए पोस्टपोन हो सकते हैं ऐसा योग इस सप्ताह बन रहा है इस सप्ताह देखा जाए तो आप किसी धार्मिक व्यक्ति किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाने वाले हैं सलाह लेने वाले हैं आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है मेरी स्थिति क्या है या फिर कुछ लोग मंदिर जाने वाले हैं मन को शांत करने वाले हैं किसी सत्संग में भाग लेने वाले हैं इस सप्ताह देखा जाए तो दोस्तों के साथ में आप अचानक कहीं घूमने जा सकते हैं ऐसा योग नजर आ रहा है साथ ही साथ वो जो घूमने जाएंगे आप परिवार को बिना बताए घूमने जा सकते हैं जिस कारण से घर में थोड़ी तूतू मैं मैं पार्टनर के साथ में मनमुटाव बढ़ सकते हैं ऐसा योग भी नजर आ रहा है इस सप्ताह देखा जाए तो छोटा मोटा धन लाभ आपको हो सकता है लेकिन खर्चे आपके इस सप्ताह राशि के बड़े बड़े रहेंगे खर्चों पे आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है याद रखिएगा इस सप्ताह राशि को मन में बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं तो खर्चे आपके बढ़ रहे हैं और खर्चे आपका मन करवाएगा तो मन में कंट्रोल रखिएगा मकर राशि के बारे में बात करें तो इस सप्ताह यानी इक्कीस तारीख से लेकर और सत्ताईस अगस्त के बीच में भाई मकर राशि का आदित्य योग बन रहा है यानी करियर की दृष्टि से ये सप्ताह मकर राशि के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहने वाला है इस सप्ताह देखा जाए तो करियर में कोई बड़ी डील आपकी बन सकती है कोई बड़ा काम आपको मिल सकता है या काम में बड़ा परिवर्तन आ सकता है कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं या किसी बड़े प्रोडक्ट को बनाने में आपकी मार्केट की दौड़ा भागी हो सकती है ऐसा योग नजर आ रहा है यानी इस सप्ताह आप किसी प्रोडक्ट में इंगेज रहेंगे ऐसा योग नजर आ रहा है इस सप्ताह देखा जाए भूमि का हल्का फुल्का रेनोवेशन भी हो रहा है या तो बाथरूम का काम या टाइल का काम या पत्थर का काम आप कराने वाले ऐसा योग नज़र आ रहा है साथ ही साथ देखा जाए तो इस सप्ताह राजनीति से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो सकती है या राजनीति के किसी कार्यक्रम में आप जाने वाले ऐसा योग नज़र आ आ रहा है सप्ता। इस सप्ताह इस सप्ताह देखा जाए तो घर का कोई सदस्य आपको अपने से संबंधित कोई खुशखबरी या काम की या विद्या में कोई खुशखबरी आपको दे सकता है तो कुल मिला देखा जाए ये सप्ताह मकर राशि का धन के लिए करियर के लिए राजनीति के लिए साथ ही साथ सदस्यों के लिए काफ़ी अच्छा है इस सप्ताह रिलेशनशिप भी देखा जाए काफ़ी अच्छा रहने वाला आपके बीच में जो मनमुटा पत्नी से या आपकी प्रेमिका से चल रहे थे वो सॉल्व होने वाले हैं इस सप्ताह वीकेंड में आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए खूब जी खोल के धन खर्च करने वाले हैं और पार्टनर को आप मनाने वाले हैं तो ये सप्ताह मकर राशि के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की तो कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह यानी इक्कीस से सत्ताईस अगस्त में देखा जाए कहीं ना कहीं शुक्र वक्री है मालव्य योग की रचना हो रही है यानी सप्ताह वक्री शुक्र आपके लिए मालव्य योग बना रहे हैं तो जो कि आपके लिए ये सप्ताह धनदायक भी रहेगा और बड़े खुश मिजाज भी रहेंगे और आनंददायक भी रहेगा लोगों को छेड़ते रहेंगे मजाक करते रहेंगे इस सप्ताह देखा जाए घर में किसी सदस्य से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है यानी कि किसी कोई भी घर के अंदर आपका चाहे बेटा बेटी हो भाई बहन हो या फिर आपके घर के अंदर जो भी सदस्य हैं माता पिता हैं वो कोई ना कोई खुशखबरी आपको सुनाने वाले हैं जिससे मन आपका प्रफुल्लित हो उठेगा इस इस सप्ताह देखा जाए तो सरकारी रुका हुआ काम आपका बन सकता है इस सप्ताह सरकारी दफ्तर के आपके चक्कर भी लगेंगे सरकारी काम आप बाय हुक बाय क्रुक करने वाले और सरकारी रुका हुआ काम इस सप्ताह प्रयास से आपका सफल होता हुआ नज़र आ रहा है करियर में देखा जाए तो नया प्रोजेक्ट कुंभ राशि को मिल सकता है सीनियर आपके काम की तारीफ कर सकते हैं और आप ऑफिस की बड़ी परेशानी के लिए कुंभ राशि को सीनियर सरप्राइजली इस सप्ताह कहीं दूसरे प्रदेश में भी भेज सकते हैं ऐसा योग नज़र आ रहा है इस सप्ताह देखा जाए तो शादी विवाह या किसी रिलेशन की पार्टी में जाने के वीकेंड में या इस सप्ताह आपके योग बनते हैं आप जाए ना जाए इसका फिफ्टी फिफ्टी इस सप्ताह योग बन रहा है इस सप्ताह देखा जाए तो आपका धन मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप या घर की ज़रूरतों पे धन खर्च होता हुआ इस सप्ताह नज़र आ रहा है इस सप्ताह देखा जाए तो किसी काम को लेकर आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है या जैसा मैंने बताया सरकारी दफ्तर के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं इस सप्ताह देखा जाए तो जीवन साथी के साथ में किसी शादी समारोह में आपका जाने का युग बनता है या किसी होटल में जीवन साथी को आप पार्टी देने वाले हैं यानी कि आपका लव लाइफ रिलेशन लाइफ भी इस सप्ताह अच्छी है सबसे बड़ी बात इस सप्ताह ये है कि शुक्र वक्री आपका मालव्य योग जो बना रहे हैं वो आपके लिए धन के लिए बहुत ही अच्छा है आप बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि के लिए तो ये सप्ताह देखा जाए तो मीन राशि के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है केंद्राधिपति दोष लग रहा है यानी कि इस सप्ताह लीजिए जी, आपके जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं गुस्से पे कंट्रोल रखना है ये याद रखिएगा गुस्से पे कंट्रोल नहीं रखा तो करियर भी खराब होगा और घर के अंदर भी वाद विवाद लड़ाइया रहेगी इस सप्ताह देखा जाए तो आपको जब ई बिल का भुगतान या सरकारी बिल का भुगतान या पेनल्टी का भुगतान करना पड़ सकता है यानी कि ये सप्ताह आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं इस सप्ताह देखा जाए तो जो भी मीन राशि वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए आपको सावधानी बरतनी है नहीं तो नुकसान आपको हो सकता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी पैदा हो सकती है जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है तो थोड़ा सा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने से पहले अच्छी तरह से जांच परख ले इस सप्ताह देखा जाए तो पहले का जो रुका हुआ काम है वो बनेगा यानी पिछले दो हफ्तों का जो रुका हुआ काम है वो इस सप्ताह बन सकता है पुराना पेंडिंग धन आपको इस सप्ताह मिलेगा लेकिन इस सप्ताह जो भी आप नौकरी में प्रयास करेंगे डील लेने की कोशिश करेंगे वो आगे के लिए डिले होता हुआ नज़र आ रहा है यानी कि करियर में ये सप्ताह जो भी प्रयास करेंगे वो आगे के लिए पोस्टपोन होता हुआ नजर आ रहा है इस सप्ताह देखा जाए तो किसी जान पहचान से एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इनकम आपको प्राप्त होगी लेकिन एक्स्ट्रा इनकम को आप किसी गुरुद्वारे पे किसी धार्मिक आ, 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 संस्था पे खर्च करने वाले हैं दान धनम भी उस एक्स्ट्रा इनकम की आप करने वाले हैं तो कुछ कुल मिला के एक्स्ट्रा इनकम तो प्राप्त होगी वो एक्स्ट्रा इनकम का एक हिस्सा आप धार्मिक काम पे या कहीं ना कहीं भंडारे पे आप खर्च जरूर करेंगे तो कुल मिला के इस सप्ताह मीन राशि का उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है तो मित्रों इस कार्यक्रम में हमने चर्चा करी साप्ताहिक राशि फल की अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो इस पोस्ट को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जय माता दी मेरा काम बिल्कुल खत्म हो गया था आप यकीन नहीं मानो मैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया वापसी जाने के लिए तैयार हो गया था मेरी बिटिया ने कहा पापा मैं इतने दिन से प्रोग्राम देख रही हूँ एक बार मेरा कहना मानकर तो देखो और मैंने अपनी बिटिया का कहना माना और मैं आज गुरु जी से अंगूठी लेकर आया हूँ भाई भगवान जानता है मेरा इतना बढ़िया काम चल गया ना मैं तो शुक्रगजार हूँ गुरु जी का और अपनी इस बिटिया का पापा अब तो मेरा कहना मान गए ना बिल्कुल बेटा बिल्कुल